अबे एक बार सारे साथ आ जाएंगे इधर, आएगी क्या सब लोग इधर खड़े हो जाओ, पास में आ जाओ, बस 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 सही है, बस 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 सही है। अब मैं आप सबके माध्यम से सिर्फ एक माध्यम बनकर पुलिस के अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, कभी इतनी नियंत्रित या इतना नियंत्रित आंदोलन आपने देखा है? नहीं, आप बताए नहीं, देखा आपने? जवाब तो हम यही मांग रहे हैं, आप बहुत जिम्मेदार हैं। आप सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि आप हमें जाने भी देंगे, रोक नहीं पाएंगे, आप डंडा चलाएंगे, वो आगे की बात आगे देखिए, आप आदेश लेंगे ना तब तक मार्केट में चले जाएंगे सर, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। आपकी ये गलत फहमी हो कि हम 10 लोग एक आंदोलनकारी को कहता हूँ रवि मेघवाल को, आप 10 पुलिस कर्मी भेज दो। शोएब खान पीछे है, शोएब खान जी, शोएब जी कहाँ हैं आप? 10 पुलिस वाले उनके पास भेज दो, गोपाल जी हैं, अनिल ढेनवाल जी, बात ताकत की नहीं है श्रीमान जी। अब मैं बात बताना चाहता हूँ, जितने भी साथी बैठ जाओ, बैठ के बैठो आराम से, जितने भी साथियों ने अपनी बात में ये कहा है कि हमारे आंदोलन को आगे नहीं देने जाने दे रहे, सुनिए, देखिए ये गांधी जी का देश है, है कि नहीं? ये बिरसा साहब का देश है, है? ये अंबेडकर साहब का देश है, लेकिन गांधी जी एक बात कहते थे, शांति का परिचय दो, अगर कोई इस तरफ थप्पड़ मारता है तो ये भी गाल आगे कर दो। जमाना बदल गया है, क्या हो गया है? जमाना बदल गया है। आप लोगों की रैली ने इनको, इन्होंने आपकी रैली को रोक दिया है, रोक दिया है ना? रोक दिया है। तो क्या आप इसका जवाब देंगे? बिल्कुल देंगे। इस रैली का जवाब आप देंगे? देंगे। 7 तारीख को पूरे भारत के लोग आएंगे, आएंगे, राजस्थान के लोग आएंगे, आएंगे, देश के लोग आएंगे, आएंगे, कार्तिक भाई के लिए आप विकेट होंगे, आएंगे, पूरे जालौर से, बाड़मेर से, सिरोही से लोग पहुँच कर सिरोही को बंद करेंगे, करेंगे, आप हार जाएंगे, नहीं, आप थक जाएंगे, नहीं, आप ताकत दिखाएंगे, नहीं, इसलिए प्रशासन के लोग और तानाशाही फरमान करने वाले राजनेता, इतना बड़ा जनसभा राजस्थान का 7 तारीख को सिरोही शहर में पहुंच रहा है, और 3 दिन हो गए आपने नेट बंद कर दिया, हमारे मैसेज नहीं पहुंचा रहे हैं। हम यह कह रहे हैं अगर इस घटना में देरी हुई तो आपको पूरे राजस्थान का नेट बंद कर देंगे, तो भी आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है, नहीं है ना? नहीं है। सुन ले कान खोल कर, जितने भी साथी है, सामाजिक संगठनों के लोग हैं, हमारी लगातार अदर स्टेट के लोगों से बात हो रही है, आज बिहार में 30 किलोमीटर रैली निकली है, मध्य प्रदेश में आदिवासियों से हमने समर्थन मांगे हैं, गुजरात के आदिवासियों से हमने समर्थन मांगा है, और तमाम न्यायप्रिय लोग 7 दिसंबर को सिरोही की धरती पर पहुंचने वाले हैं। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, एक आदिवासी भाषा में उलगलान जो होता है यूं करके साथी करते हैं, दोबारा करेंगे एक साथ सब मिलके और मैसेज देंगे पूरे राजस्थान को, पूरे आदिवासियों को, दलितों को और न्यायप्रिय लोगों को एक साथ जो उलगुलान होता है वो उलगुलान करके कहेंगे कि 7 दिसंबर को अब तमाम लोगों को राजस्थान के जहां पर अपराध होते हैं, जिस जगह पर प्रशासन प्रशासन ने एकता करने की है, इनकी हम एकता को भी तोड़ने का काम करेंगे और इनके एकड़ी हम निकालने का भी काम करेंगे। तैयार है? एक बार उलगुलान करेंगे आप, चालू हो जाए। ये जो भीड़ है बहुत नियंत्रित है, हमने खुद ने कुछ साथियों को भेजा है कि आप 2 दिन की तैयारी करिए और 7 दिसंबर को अपने साथ में 100-200 लोगों को लेकर आइए। प्रशासन के लोगों ने रैली को रोका है, इसलिए मजबूर होकर हमने एक कदम उठाया है, तभी उठाए ना, हाँ उठाए। ये प्रशासन के लोग कुछ भी समझ ले, सूर्योदय तो हमारी प्लानिंग समझ ले,
या आपके रैली रोकने का जवाब समझ ले। प्रशासन जब जब आगे आएगा तब तब हम उससे बड़ा शांति प्रिय तरीके से जवाब देंगे। यहाँ पर सुमित भाई भी है, अनिल ढेनवाल भी है, रवि मेघवाल जी भी है, उमेश भी है, गोपाल जी परमार भी है और तमाम साथी है हीरागर जी। यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रत्येक व्यक्ति को वो भूमिका निभानी है। निभाएंगे आप? निभाएंगे। तैयार है? तैयार है। 7 तारीख के लिए तमाम लोगों से अपील कर दे कि आप लोग कूच कर जाए, काम छोड़ दे, मजदूरी छोड़ दे, धंधा छोड़ दे, ट्रैक्टर ट्रॉली बैलगाड़ी पैदल आप कूच कर करके आ जाए। तैयारियां हो चुकी है पूरे वर्ल्ड में, किसी को नहीं रोक पाएंगे। पूरी दुनिया में मैसेज चला गया है, आप सारे साथी हैं। हथियार छोड़ा है, चलाना नहीं भूले, नहीं भूला अभी तक, बिल्कुल हमें पता है। हथियार चलाना भी नहीं है, हथियार नहीं है, हथियार का जमाना है। आराम आराम आराम, अरे आराम कर, रेस्ट कर, रेस्ट कर। हाँ मैडम।